नमस्ते, मैं सुरेश स्वदेशी। आज जो इस वीडियो में हम चैप्टर रीड करने जा रहे हैं या स्टडी करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 4। ये क्लास 6 के लिए जो राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा सोशल साइंस की बुक प्रिस्क्राइब्ड है, उसमें बुक है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जिसको हम कह सकते हैं पॉलिटिकल की बुक है। इस बुक का चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 का टाइटल है की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात हमने कई सारे दूसरे वीडियोस में भी बात करी है। डेमोक्रेटिक का मीन क्या होता है? डेमोक्रेटिक का मीन है कि द गवर्नमेंट ऑफ पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, अर्थात इसको कहते हैं फॉर द पीपल, ऐसी सरकार, ऐसी गवर्नमेंट जिसको लोगों के लिए बनाया गया है, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा बनाया गया है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। सरकार भी लोगों की है, लोगों के द्वारा बनाई गई है और लोगों के लिए बनाई गई है। तो ये जो गवर्नमेंट होती है, ऐसी जो गवर्नमेंट का फॉर्मेट है या फॉर्म है, इसे हम कहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हिंदी में बात करूं तो इसका मीन होता है प्रजातांत्रिक सरकार, जहां प्रजा का तंत्र है, प्रजा यानी जनता, जनता का शासन है। तो जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, तो ये जो गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। अब यहां इस चैप्टर में जो बात की गई है वो बात ये की गई है कि इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के की एलिमेंट्स क्या है, प्रमुख तत्व क्या है, मुख्य बातें क्या क्या है, मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, तो वही इस चैप्टर में दिया गया है। चलिए देखते हैं, बात करते हैं चैप्टर क्या है। इन दिस चैप्टर जहां से स्टार्ट हो रहा है वही कहता है कि चैप्टर में हम जो है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो वर्किंग है, उसका जो कार्य करने का तरीका है, उसका उसके जो की एलिमेंट जो एलिमेंट्स हैं, कि मुख्य तत्व हैं, वो क्या क्या हैं, इसमें क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर पीपल्स पार्टिसिपेशन हो सकता है, लोगों की भागीदारी, गवर्नमेंट में उनका रोल क्या हो सकता है, द रिजोल्यूशन ऑफ द कंफ्लिक्ट एंड इक्वलिटी एंड जस्टिस, या फिर जो विवाद लोगों के बीच हो रहे हैं, समस्याएं पैदा हो रही हैं, उनके बीच तनाव जिन कारणों से उत्पन्न हो रहे हैं उनका समाधान अर्थात रिजोल्यूशन, और जो थर्ड की एलिमेंट है वो है इक्वलिटी एंड जस्टिस। इक्वलिटी मतलब सब लोग बराबर हैं, जस्टिस अर्थात सबको न्याय प्राप्त होता है। तो ये जो है यहाँ पर तीन मुख्य रूप से बातें की गई, पीपल्स पार्टिसिपेशन, रिजोल्यूशन ऑफ कंफ्लिक्ट, लोगों के जो विवाद है, कंफ्लिक्ट्स हैं, उनका सॉल्यूशन किस तरीके से निकाला जाता है, और इक्वलिटी एंड जस्टिस अर्थात समानता और न्याय। जस्टिस मीन्स न्याय, इक्वलिटी मीन्स समानता, अर्थात सभी लोग समान है, रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन होता है, कानून सबके लिए बराबर होता है, सब पे बराबर लागू होते हैं। तो ये सब चीजें, अब जब चैप्टर आगे स्टार्ट होता है तो चैप्टर में कुछ बातें की गई है, और यहाँ जो एग्जांपल दिया गया है वो साउथ अफ्रीका का दिया गया है, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन महाद्वीप या अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, जो कि उसके साउथ पार्ट में है, उसे कहते हैं साउथ अफ्रीका। तो यहाँ की कहानी क्या है, यहाँ के बारे में कुछ बातें दी गई है कि यहाँ पर जो है कई सारी प्रजातियां के लोग, कई सारी रेसेस के लोग रहते हैं, कई सारी प्रजातियों के लोग रहते हैं। अब इनमें ब्लैक पीपल है, पहली प्रजाति कौन सी है, काले लोग, जो रंग से काले हैं, जो ओरिजिनली साउथ अफ्रीका के हैं। दूसरी जो वहां पे रेस है वो है व्हाइट, सफेद या गोरे रंग के लोग रहते हैं, ये बाहर से आके यहाँ सेटल हो गए हैं। उसके अलावा इंडियंस भी यहाँ रहते हैं। इंडियंस वहां पर कैसे पहुंच गए, तो जो ब्रिटिशर्स और जो यूरोपियन कंपनीज का वहां पर उनको जब काम करने के लिए लेबरर्स और ट्रेडर्स की आवश्यकता पड़ी, तो ये उस समय उन लोगों के द्वारा वहां ले जाए गए थे। तो ये इंडियंस भी वहां हैं, ब्लैक पीपल है, व्हाइट पीपल है, ये मुख्य रूप से वहां रहते हैं। माया नायडू, अब एक कैरेक्टर है यहाँ पर माया नायडू, जो उसकी कहानी यहाँ बताई गई है, ये 11 ईयर्स ओल्ड है और साउथ अफ्रीकन गर्ल है, जो कि जोहान्सबर्ग वहां का एक टाउन है जिसमें रहती है। ये अपनी माँ की हेल्प कर रही है, कुछ ओल्ड बॉक्सेज हैं जिनको साफ करने में हेल्प कर रही है, और तभी उसको एक स्क्रैप बुक मिलती है, स्क्रैप बुक वहां से मिलती है, और स्क्रैप बुक में क्या है, पिक्चर्स और न्यूज पेपर आर्टिकल्स
पड़े हुए बने हुए हैं। उनमें बहुत सारे पिक्चर्स हैं जो यंग स्कूल बॉय जो कि 15 इयर्स ऑफ एज के हैं उनके भी फोटोज वहां पर हैं। इन सबको देख करके वो अपनी माँ से पूछती है कि इसमें जो लड़का दिखाया गया है कि जो 15 साल का लड़का दिखाया गया है वो कौन है। तो उसकी मदर ने उसको बताया कि ये हेक्टर पीटरसन है। ये कौन है? हेक्टर पीटरसन। माया को उन्होंने ये भी बताया कि इस लड़के को पुलिस द्वारा गोली से शूट कर दिया गया, गोली मार दी गई। अब माया का प्रश्न था कि ऐसा क्यों, वाई सियास को उसने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, वाई पुलिस है शॉटिंग। तो उसके मदर ने फिर सारी कहानी उसको सुनाती है। वो कहानी क्या है, साउथ अफ्रीका जो है अपार्टहाइड लॉज थी, यहाँ पर रंग भेद वाले नियम थे। रंग भेद का मतलब नियम, अपार्टहाइड का मतलब है कि गोरे और काले में वहां पर अंतर किया जाता था। जो यूरोपियन लोग थे, वाइट्स थे, वो लोग वहां पर रूल करते थे और उनके कानून लागू होते थे। तो अपार्टहाइड लॉज थे। अपार्टहाइड मींस सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। इसका सीधा सा अर्थ ये था कि प्रजाति के आधार पे लोगों में डिफरेंस करना, लोगों में सेपरेशन रखना। साउथ अफ्रीकन पीपल जो थे वो दो कैटेगरीज में विशेष रूप से डिवाइडेड थे। दो भी क्या ज्यादा डिवाइडेड है, व्हाइट्स में है, ब्लैक्स में है, इंडियन और कलर्ड रेसेस, ये अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किए हुए थे। जो अपार्थाइड लॉ था, अपार्थाइड कानून था, उसके अकॉर्डिंग ये रेसेस जो थी ब्लैक, इंडियन और कलर्ड रेसेस, इनको एक दूसरे के साथ या आपस में मिलजुल करके मिक्सअप होकर के नहीं रह सकती थी और एक दूसरे के पास नहीं रह सकती थी। और यहां तक भी इनकी जो फैसिलिटीज थी वो भी सेपरेट थी, ये आपस में एक दूसरे की फैसिलिटीज को यूज नहीं कर सकते थे। ये सब सुनकर के माया को वो अपने कानों पर भरोसा नहीं हो पा रहा था कि वो जिस साउथ अफ्रीका में रहती है कि उसमें ऐसी स्थिति थी। तो माया की मदर ने जो है ऐसा लगा कि गुस्सा हो गई व्हेन शी स्पोक अबाउट लाइफ अंडर अपार्टहाइड, कि जब वो अपार्टहाइड के जीवन को बता रही थी तो ऐसा लगा कि वो गुस्सा हो गई है। उसने माया को ये भी बताया कि उन दिनों में हॉस्पिटल्स वर सेपरेट एंड सो वर एम्बुलेंसेस। उन्होंने, माया की मदर ने ये भी बताया कि जब अपार्टहाइड रूल था उस समय पर यहाँ तक कि इन सब के लिए हॉस्पिटल्स भी अलग अलग थे, एम्बुलेंसेज भी अलग अलग हुआ करती थी। इसके अलावा An ambulance meant for white people would always be well equipped while one meant for the black people was not. और माया की मदर ने यह भी बताया कि जो एम्बुलेंस व्हाइट लोगों के लिए थी वो उसमें सारे उपकरण थे, ऑक्सीजन वगैरह सारी सुविधाएं उसमें थी, जबकि जो ब्लैक लोगों के लिए थी उसमें ऐसा कुछ नहीं होता था, जनरली वो वेल इक्विप्ड नहीं होती थी। इसके अलावा बसेज और ट्रेन्स भी सेपरेट थी, इन सबके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई थी। यहां तक कि बस स्टॉप पर भी जो थे ब्लैक और व्हाइट पीपल के लिए अलग अलग बस स्टॉप बने हुए थे, ये लोग एक कॉमन बस स्टैंड पे खड़े नहीं हो सकते थे। तो ये सब बातें चल रही है। उसके अलावा आगे बात होती है कि जो नॉन व्हाइट्स थे अर्थात जो ब्लैक पीपल थे वर नॉट अलाउड टू वोट, इनको वोटिंग राइट्स भी नहीं थे। बेस्ट लैंड इन द कंट्री वॉज रिजर्व फॉर द व्हाइट पीपल। और यहां देखिए आगे क्या डिफरेंस हो रहा था, क्या इनइक्वालिटी थी कि जो साउथ अफ्रीका की जो सबसे अच्छी जमीन थी जिसपे खेती अच्छे से हो सकती थी, जो फर्टाइल लैंड थी, वो केवल वाइट लोगों के लिए रिजर्व की गई थी और जो नॉन वाइट्स थे उनको वर्स्ट अवेलेबल, जो जितनी खराब जमीन थी, जो उबड़ खाबड़ पहाड़ी पथरीली, उस जमीन पे वो रह सकते थे। इस प्रकार से ब्लैक्स एंड कलर्ड पीपल वर नॉट कंसिडर टू बी इक्वल टू वाइट्स। तो सारी बातें जो आप देख रहे हैं ये बता रही है कि जो ब्लैक पीपल थे या जो कलर्ड पीपल थे उनको व्हाइट पीपल के इक्वल नहीं रखा गया था, उनमें डिफरेंस किया गया था, व्हाइट्स के लिए ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज थी जबकि ब्लैक्स के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। आगे और चैप्टर में माया की मदर बताती हैं कि ब्लैक टाउनशिप वॉज द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप सोवेटो। तो काले लोगों के लिए अलग ही नगर था जिसका नाम था साउथ वेस्टर्न टाउनशिप सोवेटो। और हेक्टर पीटरसन लिव्ड हियर, और यहीं पर हेक्टर पीटरसन रहा करता था। और वो और उसके जो क्लासमेट्स थे उन्होंने एक प्रोटेस्टिंग विरोध में शामिल हुए, और विरोध क्या था कि अफ्रीकांस लैंग्वेज जो थी स्कूल में
उसको आप विरोध कर रहे थे. दिस वॉज द लैंग्वेज दैट द व्हाइट्स स्पोक. और ये लैंग्वेज कौन सी थी, ये जो अफ्रीकांस लैंग्वेज थी, ये वो भाषा थी जो कि व्हाइट लोग बोला करते थे. तो पीटरसन और उसके जो क्लासमेट्स थे हेक्टर पीटरसन, वो उसका विरोध कर रहे थे, दे वर प्रोटेस्टिंग दैट. आगे क्या हुआ, उसके जो स्टूडेंट अदर स्टूडेंट्स थे उनको जो है जबरदस्ती ये सिखाया जाता था कि आप इस लैंग्वेज को सीखिए. और बट दे वांटेड टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज. लेकिन हेक्टर पीटरसन और उसके जो साथी थे वो जूलू लैंग्वेज, जो उनकी खुद की लैंग्वेज थी, वो सीखना चाहते थे, जबकि जो वाइट्स थे उनको अफ्रीकांस लैंग्वेज सीखने के लिए फोर्स कर रहे थे. साउथ अफ्रीकन पुलिस ने जो है इन प्रोटेस्टर्स को भयंकर तरीके से पिटाई करी और गोली चला दी. वन ऑफ देयर बुलेट्स किल्ड हेक्टर. और जो गोली चली उसमें से एक गोली जो है हेक्टर को लगी. और ये जो घटना हुई 16 जून 1976 को हुई. अब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की बात की गई है यहाँ पर. तो ये एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है चैप्टर में बात हुई. एंड ग्रुप ऑफ पीपल हू लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्टहाइड. तो ये उन लोगों का ग्रुप था जिसने इस अपार्टहाइड, अभी आपने ऊपर जितना भी चीजें पढ़ी वो सारे के सारे जो व्हाइट पीपल द्वारा जो वहां रूल किया गया उसको अपार्टहाइड रूल के नाम से जानते हैं. तो वो सारी बातें अपार्टहाइड रूल की थी. तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है वो ऐसे लोगों का ग्रुप बना जिसने इस अपार्टहाइड जो सिस्टम था उसको अपोज किया, विरोध किया. और इनके जो फेमस एक लीडर बने वो थे नेल्सन मंडेला. इनका नाम क्या है, नेल्सन मंडेला. और इन्होंने इस अपार्टहाइड सिस्टम के लिए कई सालों तक लड़ाई लड़ी और फाइनली इनको सफलता मिली. इन 1994 साउथ अफ्रीका जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया. और यहाँ जो है सभी लोगों को जो है सभी रेसेस के जो लोग थे उनको क्या माना जाने लगा, अब वो इक्वल माने जाने लगे. अर्थात वहां पर अब का कलर कास्ट के बेसिस पे कोई डिफरेंस नहीं हो रहा था. अब यहाँ चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं. वो क्वेश्चंस क्या हैं, हेक्टर और उसके क्लासमेट्स किस बात का विरोध कर रहे थे. तो ये आपने देखा कि जो अफ्रीकान लैंग्वेज जो वाइट पीपल बोला करते थे वो इन लोगों को अफ्रीकान लैंग्वेज सीखने के लिए फोर्स कर रहे थे, जिसका विरोध इन्होंने किया. और उस विरोध के स्वरूप ही जो है पुलिस ने उन पर फायरिंग की और उस फायरिंग में हेक्टर मारा. आगे क्वेश्चन और पूछा गया है कि डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल पर्सन्स टू बी ट्रीटेड इक्वली. अब एक सवाल यहाँ ये पूछ रहे हैं कि क्या सभी लोगों को बराबर रखा जाना चाहिए, पहला सवाल. और अगर हाँ, आंसर अगर ऐसा हाँ में आ रहा है तो फिर ऐसा क्यों होना चाहिए, तो ये भी सोचने की बात है. तो यही सारे इन सवाल आप बात करेंगे कि आगे क्या क्या चीजें क्यों आवश्यक है, क्यों डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहिए, तो उसी की बात. अब यहाँ पर सबसे पहले बात की गई है पार्टिसिपेशन. पार्टिसिपेशन का मतलब भागीदारी, अर्थात देश में शासन कैसे चलेगा इसमें कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किन लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, वो सारी बातें. तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है. अब यहाँ पर एक सवाल और पूछ लिया है इन्होंने, ये कह रहे हैं कि हम नियमित रूप से रेगुलर बेसिस पे हमारे यहाँ इलेक्शन क्यों होते हैं. तो इसके बारे में आपने पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा कि जो लोग हैं डेमोक्रेसी में वो अपने डिसीजंस लेते हैं, वो अपने डिसीजन लेते हैं और चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है उनकी उनके हिसाब से चले. अब ये जो वोटिंग सिस्टम होता है, इलेक्शंस होते हैं, तो इलेक्शंस में वोटिंग करके लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं ताकि वो उनकी तरफ से रिप्रेजेंट करें, उनकी बात को आगे बढ़ाएं और उनके बिहाफ उनकी तरफ से जो है वो डिसीजन ले पाए. ऐसा करते हुए ये माना जाता है कि ये लोग ध्यान में रखेंगे कि जो लोगों के वॉइसेस हैं, जनता की जो आवाज है, जनता का जो इंटरेस्ट है, उसका ध्यान रखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग कानून बनाएंगे और शासन करेंगे. सारे के सारे जो गवर्नमेंट्स हैं वो फिक्स पीरियड के लिए चुनी जाती है. अब ये अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम हो सकता है, बट जो भी टाइम होता है वो फिक्स होता है और उस फिक्स टाइम के बाद वापस से इलेक्शन होते हैं और लोग वोट कास्ट करते हैं और अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं. अगर हम इंडिया के सेंस में बात करें तो ये जो गवर्नमेंट का टाइम होता है ये जनरली 5 years के लिए इलेक्ट की जाती है, 5 साल के लिए चुनी जाती है. एक बार कोई भी गवर्नमेंट जो चुनी जाती है वो 5 साल के लिए चुन ली जाती है और 5 साल तक वो शासन कर सकती है.
लेकिन जो है पावर देन दे हैव टू बी री इलेक्टेड। अगर मान लीजिए कि जो लोग 5 ईयर्स के लिए चुने गए हैं अगर वो आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो भी उनको दोबारा चुनाव में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और अगर लोग उनको री इलेक्ट करते हैं तभी वो दोबारा शासन कर सकते हैं। दिस इज ए मोमेंट व्हेन पीपल कैन सेंस देयर पावर इन अ डेमोक्रेसी। और ये जो इलेक्शन ही होते हैं यही वो पावर वो टाइम होता है जब लोगों को ये फील होता है कि वो उनकी पावर में है या वो शासन चला रहे हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पावर ऑफ द गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शंस। तो ये रेगुलर इलेक्शन क्यों होते हैं? ये इसलिए होते हैं, ये रेगुलर नहीं रखे जाएंगे तो जो लोग गवर्नमेंट में वो पावरफुल हो जाएंगे और अपनी डिक्टेटरशिप चलाएंगे, अपनी मनमर्जी करेंगे, उसको रोकने के लिए रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए। आगे चैप्टर जब बढ़ता है तो ये कहता है कि चलो एक तरीका तो ये हो गया कि इलेक्शंस में वोट डाल करके लोग अपना पार्टिसिपेशन करते हैं, तो और अन्य क्या तरीके हो सकते हैं, इसके अलावा अदर वेज क्या हो सकते हैं, दूसरे रास्ते क्या हैं। तो चैप्टर यहाँ बात करता है कि इलेक्शन जो है वंस इन 5 ईयर्स, जनरली ऐसा होता है कि 5 साल में एक बार इलेक्शन होते हैं, लेकिन वोटिंग के अलावा कुछ और रास्ते भी हैं जिससे लोग जो है गवर्नमेंट के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या भाग लेते हैं। पीपल पार्टिसिपेट बाई टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। वो सरकार की जो कार्य प्रणाली है उनका जो फंक्शनिंग है उसमें जो है वो इंटरेस्ट लेकर के पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके साथ साथ वो क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट का कोई डिसीजन अगर लिया गया है तो अगर आवश्यक हो तो लोग उसका प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। जैसा कि ऑगस्ट 2005 का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि गवर्नमेंट जो है When a particular government increased the money, people had to pay for electricity. People expressed their disapproval. जैसे कि लोगों ने जो है सरकार ने रेट बढ़ा दी तो लोगों को जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए पे करना पड़ा तो लोगों ने जो है इस बात के लिए नाराजगी दिखाई, जोरदार विरोध किया, तो उन्होंने बहुत सारी रैलीज निकालने के साथ साथ उन्होंने इम्पोर्टेंट कैंपेन अभियान भी चलाया, सिग्नेचर कैंपेन का मतलब होता है कि लोग बहुत सारे लोग साइन करते हैं, साइन करके अपना डिसएग्रीमेंट उसके प्रति दिखाते हैं और वो सरकार के पास पहुंचाया जाता है कि हम इतने लोग इस आपके डिसीजन के अगेंस्ट हैं। तो सिग्नेचर कैंपेन भी चलाया, गवर्नमेंट ने बहुत सारी कोशिश की कि वो अपने डिसीजन को एक्सप्लेन करने की, उसको डिफेंड करने की, लेकिन फाइनली उनको जो है लोगों की बात माननी पड़ी और जो रेट में उन्होंने इंक्रीज की थी वो उनको विड्रॉ करना पड़ा। तो ये भी एक तरीका है कि लोग किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। गवर्नमेंट को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा क्योंकि ये एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी, रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, ये लोगों के प्रति एक जिम्मेदार सरकार थी, उत्तरदायी सरकार थी। इसके अलावा भी लोग जो है अपने व्यूज, अपने विचार जो है वो कई अन्य तरीकों से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। गवर्नमेंट एंड मेक गवर्नमेंट अंडरस्टैंड, और अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं, गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। इनमें कौन कौन से तरीके हैं? धरना, बैठ जाना, विरोध करना, रैली निकालना, स्ट्राइक हड़ताल करना, सिग्नेचर कैंपेन चलाना, ये बहुत सारे अन्य तरीके हैं जिससे लोग अपना पार्टिसिपेशन दिखा सकते हैं। जो बहुत सारी चीजें हैं जो अनफेयर है, गलत है, अनफेयर नहीं है, अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, या अनजस्ट, अन्यायपूर्ण है, न्यायोचित नहीं है, वो आगे लाई जाती हैं, उनका विरोध किया जाता है। इसके लिए न्यूज़पेपर्स हैं, समाचार पत्र हैं, मैगजीन्स हैं, टीवी हैं, इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। और यहाँ पर बहुत जो गवर्नमेंट के इश्यूज हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको बार बार डिस्कस करके दिखाया जाता है कि सरकार को किस तरीके से काम करना चाहिए, लोगों के इंटरेस्ट क्या हैं, लोगों के आवश्यकताएं, नीड्स क्या हैं। तो ये सब चीजें भी जो है पार्टिसिपेशन को एंश्योर करती हैं। चैप्टर में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर बात की गई है कि डेमोक्रेसी जो है लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ करती है, वो उनको अलाउ करती है। इट इज ऑल्सो ट्रू, लेकिन साथ में ये भी बात है कि सोसाइटी के क्या सारे लोग ऐसा कर पाते हैं? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर सवाल ये खड़ा किया गया है कि पार्टिसिपेशन के पैटर्न हमने देखे तो क्या इस सोसाइटी के सभी लोग ऐसा कर पाते हैं? तो ऐसा नहीं होता है। तो एक और तरीका होता है गवर्नमेंट में जो है सरकार के हिस्सों में या फंक्शनिंग में पार्टिसिपेट करने का, वो क्या है? ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू ए सोशल मूवमेंट।
इस बहुत सारे लोग जो हैं आपस में मिल करके एक आंदोलन के रूप में चलाते हैं और फिर सरकार से अपनी बातें मनवाते हैं और ये गवर्नमेंट को चैलेंज करते हैं, उसकी फंक्शनिंग को चैलेंज करते हैं। ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटी, अब इसमें कौन कौन सा हो सकते हैं, इसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हो सकते हैं। माइनॉरिटी किसको कहते हैं? ऐसे लोग जो किसी एरिया विशेष में, किसी देश विशेष में संख्या में कम होते हैं उनको माइनॉरिटी माना जाता है। तो ऐसे माइनॉरिटी के लोग जो है, जैसे भारत में हैं जैन हैं, सिख हैं, पारसीज हैं, इन इन लोगों को जो है हमारे यहाँ पर मुस्लिम्स को भी कई एरियाज में जो है वो माइनॉरिटी के रूप में कंसिडर किया जाता है, बट वैसे मुस्लिम जो हमारे यहाँ सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। दलित हैं, आदिवासी हैं, महिलाएं हैं और अन्य कई कोई से भी जो ग्रुप्स हैं, इनके जो लोग होते हैं वो अक्सर जो है इस तरीके से जो है मूवमेंट चला करके अपनी पार्टिसिपेशन एंश्योर करते हैं। आगे चैप्टर में दिया हुआ है कि अगर किसी देश के लोग जो है वो सावधान रहे, सतर्क रहे, सावचेत रहे और किसी भी चीज में रुचि रखते हो कि देश किस तरीके से चलाया जाना चाहिए, अगर वो इस बात में ध्यान रखते हैं, रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये गवर्नमेंट का डेमोक्रेटिक कैरेक्टर होगा। अगर इस तरीके की सरकार है और लोग इंटरेस्टेड हैं, लोग पार्टिसिपेट करने में ध्यान रखते हैं, अलर्ट रहते हैं, तो इसका मतलब है कि उस देश की सरकार डेमोक्रेटिक है, क्योंकि इससे देश स्ट्रांग बनेगा, लोगों का पार्टिसिपेशन मैक्सिमम हो पाता है, भागीदारी मैक्सिमम हो पाती है, जो उसके डेमोक्रेटिक नेचर को स्ट्रेंथन करती है, मजबूत बनाती है। चैप्टर में आगे बात की गई है कि नेक्स्ट टाइम जो है रैली वाइंडिंग थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ आवर सिटीज एंड टाउन्स और विलेजेस वी शुड पोस्ट टू फाइंड आउट। तो आपको ये कहा गया कि अगर कभी आप अपने शहर में, अपने टाउन में अगर आपको ऐसी कोई रैली निकलती हुई दिखे या रैली दिखाई दे, कोई धरना लगता हुआ दिखाई दे, कोई जो है प्रदर्शन हो, हड़ताल हो, स्ट्राइक हो, तो आप रुक करके ये सोचिए कि वो किस चीज का विरोध कर रहे हैं। आपको ध्यान देना चाहिए और जानना चाहिए कि वो लोग धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, अपनी बात कौन सी दिखाना चाहते हैं, कौन सी बात का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपको सजेशन दिया गया है और इससे आपको ये भी समझ में आया कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है। अब एक और जो की फैक्टर्स की जब हम बात कर रहे थे तो हमने एक पॉइंट वहां पर देखा था कि नीड टू रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट, लोगों के जो कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद है, डिस्प्यूट्स हैं, उनको किस तरीके से रिजोल्व किया जाए, उनका सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाए। तो माया की जो हम कहानी देख रहे थे उसमें देखा हमने कि जो जो डिस्प्यूट था व्हाइट्स और ब्लैक्स पीपल में, उनमें सबसे बड़ा था कि वो वायलेंस की तरफ ले गया, हिंसा होती है और यहां तक कि डेथ्स भी हो जाती हैं, और इससे ये भी होता है कि एक ग्रुप जो है वो सारे अपने जो राइट्स हैं वो इस चीज के लिए यूज करता है, सारी पावर यूज करता है ताकि दूसरे ग्रुप को वो फोर्स कर सके, उस पर रूल कर सकते हैं अपने मन मर्जी से। तो इस तरीके का जो चीज होता है वो अक्सर हिंसा की तरफ लेके जाता है। यहां पर आगे ये आपसे फिर सवाल पूछ रहे हैं कि पुलिस की जो शूटिंग थी, जो हेक्टर पीटरसन को जो गोली लग जाती है, क्या उसको टाला जा सकता था, अवॉइड किया जा सकता था? और अगर आंसर आता है यस, तो फिर कैसे? तो यहां पर ये बात ध्यान देनी थी, तो उसे पर कुछ चर्चाएं करनी है। कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं अक्सर क्यों होते हैं, तो जब लोगों के जो डिफरेंट कल्चर्स होते हैं इसके कारण क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों क्रिएट होंगे लोगों में, तो उसके पीछे रीजन ये दिया गया है कि लोगों की कल्चर अलग अलग हो सकती है, उस बेसिस पर उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। अलग अलग रिलीजन के लोग जब एक साथ रहते हैं तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, अलग अलग रीजन के लोग एक साथ रहते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं। इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, अलग अलग इकोनॉमिक्स, रिच और पुअर पीपल अगर एक साथ रह रहे हैं तो भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये जो है एक साथ रहते हैं और व्हेन सम अमंग देम फील दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड, और जब इनको लगता है कि इनमें से किसी भी पर्टिकुलर एक ग्रुप को ऐसा फील हो सकता है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन जाते हैं। अब ऐसे में जो है लोग जो हैं ऐसे डिफरेंसेस जो उनमें डिफरेंसेस क्रिएट हो गए उनको सेटल करने के लिए अक्सर क्या करते हैं कि वो वायलेंट मींस यानी हिंसक तरीके अपना लेते हैं, मारपीट लड़ाई झगड़े वाले तरीके अपना लेते हैं। और इसका कारण क्या है, इससे क्या नतीजे निकलते हैं, लोगों में डर पैदा हो जाता है, तनाव की स्थिति आ जाती है और
जो अमंग अदर लिविंग एरिया जो बाकी के लोग रह रहे हैं वो भी डर जाते हैं, उनमें भी चिंता हो जाती है। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिजोल्व, तो ऐसे जितने भी विवाद हैं कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजोल्व करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए और सरकार को उन पक्षों की बात सुननी चाहिए। अब यहाँ पर ये आपसे फिर आगे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके बारे में यहाँ बात की गई है और जो गवर्नमेंट का रोल क्या है उनको रिजोल्व करने में, वो सब चर्चाएं यहाँ पर दी गई। एक और बात यहाँ पर पर्टिकुलर दी गई है कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कुछ बेसिक रूल्स हैं जो बनाता है और वो सभी से ये एक्सपेक्ट करता है कि सब लोगों को इन कुछ बेसिक लॉज या रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ये जो कानून है ये कानून गवर्नमेंट के लिए भी होते हैं और लोगों के लिए भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट फॉलो करें और लोग फॉलो ना करें, या ऐसा भी नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट फॉलो करें और लोग ना करें, या लोग फॉलो करें और गवर्नमेंट ना करें, तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। कॉन्फ्लिक्ट और जो डिफरेंसेज है उनको रिजोल्व किया जाना चाहिए। अब वो किस रिजोल्व करने का बेस क्या हो सकता है, ये जो कानून हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, संविधान में दिए गए हैं, इनका पालन करते हुए जो है इन रिजोल्व करना चाहिए, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। तो बाकी डिटेल्स की बातें आगे के चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे। आगे चैप्टर बढ़ रहा है तो चैप्टर में दिया गया है कि जो बहुत सारे रिलीजियस प्रोसेशंस होते हैं, अक्सर ये होता है कि धार्मिक जुलूस निकलते हैं, सेलिब्रेशंस होते हैं, आयोजन होते हैं, जैसे हम यहाँ पर भी देखते हैं बहुत सारे एक धर्म विशेष के लोग अपने धर्म या किसी परंपरा को निभाने के लिए आयोजन करते हैं, जुलूस निकालते हैं, तो ये इनमें अक्सर झगड़े होने का या कॉन्फ्लिक्ट होने का डर होता है। जैसे कि रूट प्रोसेशन टेक्स में लीड टू ए कॉन्फ्लिक्ट, तो जब ये प्रोसेशन किसी रास्ते से होकर के गुजरता है तो झगड़े हो जाते हैं। गवर्नमेंट पर्टिकुलरली और इस ऐसे मामलों में सरकार, खास करके जो पुलिस होती है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है गेटिंग रिप्रेजेंटेटिव कंसर्न कम्युनिटीज टू मीट एंड ट्राई एंड अराइव एट ए सॉल्यूशन। तो ऐसे मामलों में सरकार और पुलिस का भूमिका क्या है कि वो जो डिफरेंट रिलीजन कम्युनिटीज के लोग वहां रह रहे हैं उनको बुलाएं, उनसे मिले और उनसे मिलकर के उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो दैट वायलेंस में डर होता है कि वायलेंस हो जाएगी, पप्पी पर जो एक दूसरे पे जो एक ग्रुप के लोग दूसरे ग्रुप पे पत्थर मारते हैं और उस प्रोसेशन को डिस्टर्ब करने का कोशिश करते हैं, तो ऐसी स्थिति में पुलिस जिम्मेदार होती है और पुलिस को ये देखना चाहिए कि वायलेंस डज नॉट टेक प्लेस, कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, कोई भी वर्ग जो ऐसा ना करे। इसके अलावा आगे चैप्टर ये बात कर रहा है कि रिवर्स टू कैन बिकम, कई बार क्या होता है, अच्छा एक तो ये हो गया कि रिलीजियस प्रोसेशन जो है कॉन्फ्लिक्ट का कारण हो सकती है, उसके अलावा कई बार जो है नदियां भी कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनती हैं अलग अलग स्टेट्स के बीच में, तो रिवर में बिगिन इन वन स्टेट और इसका कारण ये कोई नदी एक स्टेट में तो ओरिजिन करती है, वहां से वो निकलती है और दूसरे स्टेट से फ्लो करके चलती है और तीसरे में जाकर भी समाप्त होती है, तो अर्थात थ्री स्टेट्स में ये स्थिति बन रही। अब जो रिवर का वॉटर जो है, अब इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट का कारण क्यों बना, तो कॉन्फ्लिक्ट का कारण ये हो जाता है कि ये जो रिवर का वॉटर है इसको शेयर करने का, कि इसका पानी यूज कौन करे, कितना पानी कौन यूज करे, यही कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन जाता है। तो ये जैसे कि हमारे यहाँ पर है कावेरी वॉटर का डिस्प्यूट, कावेरी रिवर हमारे यहाँ साउथ इंडिया में कर्नाटक तमिलनाडु और केरला के बीच नदी फ्लो कर रही है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जो है एक डिस्प्यूट चल रहा है इस रिवर कावेरी रिवर के वॉटर को लेकर के, तो ये डिस्प्यूट हमारे बहुत सालों से चल रहा है और जो ये इसका पानी है कृष्ण राजा सागर डैम बना हुआ कर्नाटका में जिसमें स्टोर किया जाता है और ये बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को इरिगेट करता है और साथ ही लोगों की जो बेंगलुरु के लोग हैं उनके पीने के पानी की समस्या का सॉल्यूशन भी ये रिवर करती है। इसके अलावा जो ये पानी है तमिलनाडु के मेट्टूर डैम में भी स्टोर किया जाता है और वहां पर जो डेल्टा रीजन के जो बहुत सारे एरिया है उसमें एग्रीकल्चर या इरिगेशन में काम आता है, तो ये भी एक बड़ा कारण है कि जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। ए कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस बिकॉज बोथ डैम्स आर ऑन द सेम रिवर। अब कॉन्फ्लिक्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने देखा कि एक तो डैम बना हुआ है कृष्ण राजा सागर डैम और दूसरा मेट्टूर डैम, तो एक कृष्ण राजा सागर कर्नाटका में है और मेट्टूर डैम तमिलनाडु में है, तो एक ही रिवर पे होने की वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया है।
डाउन स्ट्रीम डैम इन तमिलनाडु, क्योंकि सब जहां से रिवर ओरिजिन कर रही है, तो पहले जो डैम आता है वो कर्नाटक वाला कृष्ण राजा सागर आता है, और उसके बाद वाला जो आता है वो तमिलनाडु वाला है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, अगर कर्नाटका जो ऊपर वाला कर्नाटका का जो डैम है, अगर वहां से पानी छोड़ा जाएगा तभी तो मैटूर डैम में पानी आएगा। तो बोथ स्टेट्स कांट गेट एज मच वाटर एज ए नीड फॉर पीपल इन देयर स्टेट, और प्रॉब्लम यह है कि दोनों स्टेट्स को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है। तो जब कर्नाटक पानी को एक्स्ट्रा स्टोर कर लेता है, रोक लेता है, तो तमिलनाडु को पानी नहीं मिलता। तो इस बात को लेकर दोनों में डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को फिर इसमें इंटरफेयर करना पड़ता है और एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करनी होती है कि लोगों को दोनों को ही जो है उनकी आवश्यकता के हिसाब से पानी मिल पाए। तो ये चीज यहाँ पर, यहाँ एक इमेज दी हुई है जो कि कावेरी रिवर का जो पानी है वो बहुत डिस्प्यूट होने के बाद भी पानी बड़ी शांति से बहता है, और ये स्टेट का इन दोनों का डिस्प्यूट है वो लास्ट 30 ईयर से चल रहा है। जो थर्ड पॉइंट इस चैप्टर का दिया गया था वो है इक्वलिटी एंड जस्टिस की, जो की फैक्टर्स ऑफ डेमोक्रेसी थे उसमें थर्ड फैक्टर जो दिया गया था वो था इक्वलिटी एंड जस्टिस, समानता और न्याय। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के की आइडियाज में से एक कमिटमेंट था कि इक्वलिटी कमिटमेंट और टू इक्वलिटी एंड जस्टिस की, लोगों को इक्वलिटी का फील आना चाहिए, इक्वलिटी उनके साथ रखी जानी चाहिए, उनको जस्टिस मिलना चाहिए, ये कमिटमेंट भी होता है। इक्वलिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल, ये दोनों एक साथ चलते हैं, इनको हम सेपरेट करके नहीं देख सकते, क्योंकि जहाँ इक्वलिटी होगी वहाँ जस्टिस होगा, और जहाँ इक्वलिटी नहीं होगा वहाँ जस्टिस हो भी नहीं सकता। तो ये दोनों साइड बाय साइड चलते हैं। आगे यहाँ पर कुछ बात और वापस माया वाला एग्जांपल की बात की गई है कि जो माया का एग्जांपल आपने स्टोरी देखी उसमें गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट द आइडिया दैट पीपल आर इक्वल, वो वहां पर के लोग जो है इक्वलिटी की बात की जा रही थी। इन डॉक्टर अम्बेडकर स्टोरी डिड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी सपोर्ट द आइडिया दैट पीपल आर इक्वल, अम्बेडकर डॉक्टर अम्बेडकर की स्टोरी आपके चैप्टर में दी गई है, और वो स्टोरी क्या है, ये अनटचेबिलिटी वाली जो प्रैक्टिस थी भारत में वो जो बात की गई है, तो क्या वो इक्वलिटी की बात कर रहा है यहाँ पर? तो दोनों का दोनों एग्जाम्पल्स दोनों स्टोरीज में आप जो देख रहे हैं वो इक्वलिटी के कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बात की जा रही है कि जो अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी क्या होता है, छुआछूत की समस्या। हमारे यहाँ पर कास्ट के बेसिस पे कुछ कास्ट को ऐसा माना गया था कि उनको छू लेने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है, तो ये जो समस्या थी इसका कारण ये था कि जो लो कास्ट के लोग माने गए थे जिनको अनटचेबल्स कहा जाता है, वो जो दूसरे ग्रुप के या कास्ट के लोग थे उनको टच नहीं कर सकते थे, उनसे दूर होकर रहना पड़ता था, गाँव में सेपरेट रहना पड़ता था, पीने के पानी के अलग होता था, तालाब अलग होते थे, सब चीजें उनकी अलग थी। तो ये जो हमारे यहाँ सिस्टम था वो अनटचेबिलिटी थी। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है विशेष रूप से उसको बैन कर दिया गया है कि अब भारत में अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस नहीं है। जो ये जो अनटचेबल्स माने गए इनको एजुकेशन से मना किया गया, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल फैसिलिटी से इनको मना किया गया, और यहां तक कि प्रेयर ये प्रार्थना भी नहीं कर सकते थे, ऐसा कुछ हमारे जो एरियाज थे देश के वहां पर ऐसी चीजें चलती थी। अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जो हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाते हैं, उनके बारे में आपने पढ़ा होगा इस बुक में भी और बाकी जगहों पर भी, तो उनकी तरह बहुत सारे लोग थे, उन्होंने ऐसी प्रैक्टिस इसको डिसकंटिन्यू या कंटिन्यू नहीं करने की बात की और कहा जस्टिस कैन ओनली बी अचीव व्हेन पीपल आर ट्रीटेड इक्वली, और उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि अगर हम समाज में सोसाइटी में जस्टिस लाना चाहते हैं तो फिर हमें अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिसेस को रोकना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो ये बात भी ध्यान रखती है और स्पेशल प्रोविजंस भी करती है कि जो ग्रुप्स है सोसाइटी के जिनको अनइक्वल माना गया है, जो सोसाइटी में ऐसे ग्रुप्स हैं जो अनइक्वल हैं, जैसे कि हमारी सोसाइटी की बात करें तो जनरल टेंडेंसी है कि लड़के को जो है ज्यादा वैल्यू दी जाती है बजाय गर्ल चाइल्ड की, लड़कियों को के तुलना में लड़कों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, तो ये भी एक इनइक्वल स्टेटस क्रिएट करता है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी सोसाइटी जो है लड़की को और बॉय को जो है इक्वली ट्रीट नहीं करती है, और ये अनजस्ट है, ये न्यायोचित नहीं है, अन्यायपूर्ण है। तो इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट हमेशा इस बात के लिए प्रमोट करती है कि सोसाइटी में जस्टिस स्थापित हो, न्याय की स्थापना हो, और उसके लिए जो
गर्ल्स के लिए जो स्पेशल, ताकि गर्ल्स जो है इनजस्टिस से बाहर आ पाए और वो सोसाइटी में इक्वल स्टेटस गेन कर पाए, प्राप्त कर पाए, उसके लिए गवर्नमेंट जो है बहुत सारे प्रोविजंस प्रावधान करती है। इस तरीके से हम ये देखते हैं जैसे कि फीस फॉर गर्ल्स माइट बी वेव्ड ऑल ओवर, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो सरकार क्या कर, सरकार के प्रयास ऐसे हो सकते हैं कि वो जो है स्कूल्स में उनकी एजुकेशन के लिए फीस माफ कर सकती है गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस में, तो ऐसा हमारी सरकारें कर भी रही हैं। तो ये वही है कि इक्वलिटी की तरफ ले जाने का एक तरीका है। कुछ और सवाल यहाँ आपसे पूछे गए हैं कि स्कूल फीस वुड हेल्प गर्ल अटेंड स्कूल, कि क्या स्कूल फीस को कम कर देना या माफ कर देने से क्या लड़कियों को शिक्षा के स्कूल जाने में हेल्प होगी, आप क्या सोचते हैं। उसके अलावा आपके लाइफ से कोई ऐसा एक्सपीरियंस भी आप सोच सकते हैं जिसमें आपने देखा हो कि आपने किसी की हेल्प की हो और वो उस सिचुएशन जिसमें आपको लगता हो कि उसकी गलत सिचुएशन थी या अन्यायपूर्ण सिचुएशन थी और आपने हेल्प की हो, कोई बात आपको याद आती हो तो सोचिएगा। क्या सब लोग इसी तरीके से सोचने चाहिए, क्या आपको ऐसा लगता है। व्हाट डू यू हैव टू से कन्विंस अदर्स दैट व्हाट यू डिड वाज फेयर, और आप लोगों को किस तरीके से इस बात के लिए राजी करेंगे कि आपने जो किया वो सही था या नहीं था, इस बात के लिए आप लोगों को कैसे राजी करेंगे, ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। तो ये चैप्टर था हमारा की फैक्टर्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी के जो की फैक्टर्स हैं उनकी बात हमने की। तो यहाँ पर इक्वलिटी की बात आपने की, पार्टिसिपेशन की बात की आपने, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए होने ही चाहिए, तभी हम सोसाइटी को डेमोक्रेटिक बना सकते हैं और इक्वलिटी एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जस्टिस एस्टेब्लिश कर सकते हैं और अधिक से अधिक लोगों का पार्टिसिपेशन इंश्योर कर सकते हैं। तो पहले बच्चों ये चैप्टर था आपका चैप्टर नंबर 4 की फैक्टर्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो आपको समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। तो देखते रहिए, ज्ञान आ रही। थैंक यू।